अब सुने एक पुरानी कहानी। मैं उर्दू साहित्य के जाने माने अफसाना निगार सादत हसन मंतू का अफसाना बारिश, जिसे प्रोड्यूस किया है पिनिश आशिक ने और आवाज है पिनिश आशिक की। बहुत तेज बारिश हो रही थी और वो अकेला कमरे में बैठा जल तल देख रहा था। बाहर बहुत बड़ा लॉन था जिसमें दो दरख्त थे, उनके सब्ज पत्ते बारिश में नहा रहे थे। उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो पानी की बारिश से खुश होकर नाच रहे हैं। उधर टेलीफोन का एक खंभा गड़ा था उसके फ्लैट के एंड सामने, वो भी खुश नजर आता था, हालांकि उसकी खुशी की कोई वजह मालूम नहीं होती थी। उस बेजान चीज़ को भला क्या खुशी हो सकती है। लेकिन तनवीर ने, जो कि बहुत गमगीन था, यही महसूस किया कि उसके आसपास जो भी चीज़ है खुशी में नाच गा रही है। सावन गुजर चुका था मगर बारिश नहीं हुई थी। लोगों ने मस्जिदों में इकट्ठे होकर दुआएं मांगी मगर कोई नतीजा नहीं निकला। बादल आते जाते रहे मगर बारिश न हुई। आखिर एक दिन काले काले बादल आसमान में आए और बारिश होने लग गई। तनवीर को बादलों और बारिश से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी ज़िंदगी चट्टयाल मैदान बन चुकी थी जिसके मुंह में पानी का एक कतरा भी ना टपकाया हो। 2 साल पहले उसने एक लड़की से, जिसका नाम सुरैया था, मोहब्बत शुरू की थी, मगर वो एक तरफा मोहब्बत थी। सुरैया ने उसे ध्यान देने लायक ही ना समझा। सावन के दिन थे, बारिश हो रही थी। वो अपनी कोठी से बाहर निकला, बारिश में नहाया। आम बाल्टी में पड़े थे, वो अकेला बैठा उन्हें चूस रहा था कि अचानक उसे चीखे और हंसने की आवाज़ें सुनाई थी। उसने देखा कि साथ वाली कोठी में 2 लड़कियां बारिश में नहा रही हैं और खुशी में शोर मचा रही हैं। उसकी कोठी और साथ वाली कोठी के दरमियान सिर्फ झाड़ियों की एक दीवार लगी थी। तनवीर उठा और आम के रस चूसते हुए वो बाड़े के पास गया और गौर से उन लड़कियों को देखा। दोनों ने ही मलमल के कुर्ते पहने हुए थे जो उनके बदन के साथ चिपके हुए थे। उसने पहले कभी किसी औरत को ऐसी नज़रों से नहीं देखा था जैसे कि उस रोज़ जब के बारिश हो रही थी उसने उन दोनों लड़कियों को देखा। देर तक वो उन लड़कियों को देखता रहा जो बारिश में भीग भीग कर खुशी की आवाज़ें बुलंद कर रही थीं। तनवीर ने उनको पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए क्योंकि वो मिजाज में कुछ इस किस्म का लड़का था। वो किसी लड़की को बुरी नज़रों से देखना गुनाह समझता था। मगर उस दिन उसने बड़ी ललचाई से हुसन को देखा। तनवीर की उम्र इस वक्त तकरीबन 20 साल की होगी, न तजुर्बेकार था। ज़िंदगी में पहली बार उसने जवान लड़कियों को बारिश में नहाते देखा तो उसको महसूस हुआ कि उसके खून में चिंगारियाँ दौड़ रही हैं। उसने उन दोनों लड़कियों में से एक को चुनना चाहा। देर तक वो गौर करता रहा। एक लड़की बड़ी चलचल थी, दूसरी उससे कम, तो उसने सोचा चलचल अच्छी रहेगी जो उससे भी चलचल बना देगी। ये चलचल लड़की खूबसूरत थी, बारिश में नहाते जलपरी मालूम होती थी। थोड़ी देर के लिए तनवीर शायर बन गया था, लेकिन उस लड़की ने उसको ऐसे ऐसे शेर याद करवा दिए जिसे वो काफ़ी वक्त पहले भूल चुका था। उसके मलमल के कुर्ते में जो शबाब था उसका मुकाबला उसने सोचा कोई भी नहीं कर सकता। तनवीर ने आम चूसने बंद कर दिए और उस लड़की से, जिसका नाम परवीन था, इश्क लगाना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में उसे बड़ी तकलीफ़ें पेश आईं, इसलिए क्योंकि उस लड़की तक पहुंचना तनवीर को आसान मालूम नहीं होता था। फिर उसे अपने माँ बाप का भी डर था। उसके अलावा उसे ये भी मालूम नहीं था कि उसे वो खिंचन महसूस हुई है कि नहीं जो तनवीर को हुई थी। बहुत दिनों तक वो इन्हीं उलझनों में था। रातों जागता, छोटी झाड़ियों की तरफ जाता मगर वो नज़र न आती थी। घंटों तक वहीं खड़ा रहता। जो बारिश वाला नज़ारा जो उसने देखा था आंखें बंद करके, वो अपने मन में दुड़ाता रहता। बहुत दिनों बाद आखिर एक दिन उसे मुलाकात करने का मौका मिल ही गया। वो अपने बाप की कार में घर के किसी काम से जा रहा था कि परवीन उसे नज़र आ गई। वो कार स्टार्ट कर चुका था कि साथ वाली कोठी में से तनवीर के सपनों की शहजादी निकली। उसने हाथ से इशारा किया कि वो मोटर रोक ले। तनवीर घबरा गया। हर आशिक ऐसे मौके पर घबरा ही जाता है।
उसने मोटर कुछ ऐसी भेंदी आवाज में रोकी कि उसको जबरदस्त धक्का लगा। उसका सर हैंडल के साथ जोर से टकराया, मगर इस वक्त वो शराब के नशे से ज्यादा सुरूर में था। उसको उसकी महबूबा ने खुद बुलाया था। परवीन के होंठों पर सुर्ख लिपस्टिक लगी हुई थी। उसने सुर्ख मुस्कुराहट से कहा, माफ़ फरमाइएगा, मैंने आपको तकलीफ़ दी। बारिश हो रही है, ना टांगा इस दूर तरेज जगह मिलना मुहाल है, और मुझे एक ज़रूरी काम से जाना था, और आप मेरे पड़ोसी हैं, इसलिए आपको ये तकलीफ़ दी। तनवीर घबरा कर बोला, तकलीफ़ का क्या सवाल पैदा होता है, मैं तो उसकी ज़ुबान लड़खड़ाई, आपसे पहले मिला नहीं हूँ, लेकिन आपको एक बार देखा था। परवीन अपने सुर्ख मुस्कुराहट के साथ कार में बैठ गई और तनवीर से पूछा, आपने मुझे कब देखा था? परवीन ने कहा, हाय, आप देख रहे थे? तनवीर ने जवाब दिया, ये गुस्ताखी मैंने ज़रूर की है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। परवीन ने कहा, आपने देखा क्या था? एक सवाल ऐसा था कि तनवीर उसका जवाब नहीं दे सकता था, आए बाएं साएं करके रह गया। तनवीर ने फिर जवाब दिया, जी कुछ नहीं, बस आपको मेरा मतलब है कि आप बारिश में नहा रही थी और कुछ नहीं, मैं इस वक्त आम चूस रहा था। परवीन हंसकर बोली, आप आम चूसते क्यों हैं, काट कर क्यों नहीं खाते? तनवीर ने मोटर स्टार्ट की, उसको समझ ना आया कि इस सवाल का जवाब क्या दे। फिर तनवीर बोला, आपको मैं कहाँ ड्रॉप कर दूँ? फिर परवीन ने जवाब दिया, आप मुझे कहीं भी ड्रॉप कर दें, वही मेरी मंजिल होगी। तनवीर ने ऐसा महसूस किया कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है। लड़की जो उसके साथ बैठी है वो उसी की है, लेकिन उसकी इतनी जुर्रत नहीं थी कि उसका हाथ को थामे। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत अच्छा था। आखिरकार एक जगह उसने कार रोक ली और परवीन की कमर पे हाथ डाल दिया, और परवीन ने भी नहीं रोका, लेकिन फौरन से तनवीर को ये एहसास हुआ कि उसने ये काफ़ी अशील हरकत की है, और शायद परवीन को ये उसकी हरकत पसंद नहीं आई। चुनाचे उसने एकदम संजीदा होकर कहा, आपको कहाँ जाना है? परवीन के चेहरे पे यूं तो नाराज़गी नज़र नहीं आई, लेकिन तनवीर को लग रहा था कि वो उसके खून की प्यासी है। परवीन ने उसे बता दिया कि उसे कहाँ जाना है। जब वो उस जगह पहुँचा तो मालूम हुआ कि वो रंडियों का चकवा है। जब उसने परवीन को मोटर से उतारा तो उसके होंठों पे गहरे लाल रंग की मुस्कुराहट बिखर रही थी। उसने तनवीर को कहा कि शाम को मैं ज़रूर होती हूँ, आप कभी यहाँ तशरीफ़ लाएं। तनवीर बहुत हैरान रह गया और अपनी मोटर की तरफ बढ़ा तो उससे लगा कि वो भी एक फैशा है जिसे वो हर रोज़ चलाता है। उसकी लाल बत्ती लिपस्टिक है जो परवीन के होंठों पे थपी हुई थी। वो वापस अपने कोठी चला आया। बारिश हो रही थी और तनवीर बेहद गमगीन था। उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखों के आंसू बारिश के कतरे बनकर टपक रहे हैं।